हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर जो आपका एल्काइल हैलाइड और हेलोएरिन का था, वो हमारा खत्म हो चुका था। नाउ अब आपका एग्जाम हुआ होगा बच्चों संडे को, तो आई होप कि आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो अब हम उसी पेपर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सारे ऑप्शन को एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स बेस्ट यील्ड ऑफ एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। मतलब एन प्रोपाइल ब्रोमाइड मतलब क्या बच्चों, CH3, CH2, CH2, Br, इसका कौन सा आपका अच्छा यील्ड देगा, ये आपको निकालना था। अब इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए बच्चों कौन कौन से, इसमें ऑप्शन दिए हुए CH3, CH2, CH3, Br, 2HNu, ठीक है। बी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, HBr, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर CH3, CH2, CH2, Cl और यहाँ पर NaBr, एसीटोन और यहाँ पर हीट। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों साइक्लोप्रोपेन प्लस HBr हीट, ठीक है। ये आपको दिए हुए ऑप्शन, तो इन ऑप्शनों को कैसे जज करेंगे देखते हैं। एक एक करके सभी ऑप्शनों को हम एक बार डील करते हैं ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए बच्चों, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा देखो, ये आपका कौन से मैकेनिज्म से चलने वाला है बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपका चलने वाला है ये, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोमिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रोमिनेशन। अब अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो यहां पर आपका CH3 CH, यहां पर आपको क्या जाएगा Br और यहां पर CH3। नाउ इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो यहां पर CH3 CH2 CH2 Br। देखो बच्चों, ये आपका फर्स्ट टाइप का हाइड्रोजन है, ये आपका सेकंड टाइप का हाइड्रोजन है, तो दोनों टाइप के हाइड्रोजन में होंगे। और अगर मैं इन सब में से मेजर और माइनर निकालना चाहूं तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपका टू डिग्री होगा बच्चों। नहीं, ये आपका 2 डिग्री नहीं बच्चों। मैंने आपको बताया था मेजर और माइनर प्रोडक्ट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 1:1:81:1600, इससे मैंने निकालना बताया था। तो यहां से आपका मेजर और माइनर आपका निकलता है बच्चों, सेलेक्टिविटी रेशियो के थ्रू। तो हम इसका मेजर और माइनर का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय सेलेक्टिविटी रेशियो से हमने यहां पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया है। नाउ इस रिएक्शन में क्या है बच्चों, इस रिएक्शन का आपका मैकेनिज्म कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको हम मार्कोनिक ऑफ भी बोल सकते हैं। अब देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल को देगा तो सबसे पहले आपको क्या होगा बच्चों, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा कार्बोकैटायन। अब यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। नाउ ये अब आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, Br- के साथ। जब ये आपका Br- के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो CH3 CH Br और यहां पर CH3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर तो आपका N प्रोपाइल ब्रोमाइड बना है बच्चों, N प्रोपाइल ब्रोमाइड तो बना है, जो कि आपके कौन से में बच्चों, माइनर में। यहां पर आपका क्या बना है बच्चों, ध्यान से समझो, यहां पर आपका आपका बना है यहां पर 2 डिग्री, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बना है यहां आपका, ठीक है बच्चों। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के बारे में तो हमको आइडेंटिफाई नहीं करना, हमको किसके बारे में करना है, एन प्रोपाइल
ब्रोमाइड के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको लग रहा होगा कि ये आपका फिंकलस्टाइन है, नहीं, यहां पर NaBr की जगह आपका क्या होना चाहिए बच्चों, NaI, फॉर फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन के लिए आपको NaBr की जगह क्या होना चाहिए था बच्चों, NaBr। तो ये रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है, ध्यान रखना। इस रिएक्शन के थ्रू हम यहां पर Br नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि NaBr आपका एसीटोन में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। NaBr इज इनसोल्यूबल इन एसीटोन, ठीक है, बट NaI इज सोल्यूबल इन एसीटोन। अब यहां पर एक वेरिएशन में आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर यहां पर आपका H2SO4 दिया होता तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती, क्योंकि H2SO4 के साथ ये आयन डिस्प्लेसमेंट होता और यहां पर Br आपका यहां आके अटैक कर जाता, यहां पर Br आपका क्या बन जाता बच्चों, माइनस बन जाता। यहां पर Br आपका क्या बन जाता बच्चों, माइनस। देखो NaBr की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, HBr, और HBr का हीट के साथ कराते तो आपका यहां पर एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बनने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर आपका क्या है बच्चों, साइक्लो साइक्लोप्रोपेन। अब देखो साइक्लोप्रोपेन बच्चों क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन में आपका बेयर्स एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा, बेयर्स एंगल स्ट्रेन आपका सबसे ज्यादा होगा। अब साइक्लोप्रोपेन में अगर आपका बेयर्स एंगल स्ट्रेन अगर आपका ज्यादा होगा तो यहां पर क्या होगा, रिंग ओपनिंग होने की टेंडेंसी होगी, रिंग ओपनिंग होने की टेंडेंसी होगी। और यहां पर रिंग ओपनिंग होने की जैसे ही आपकी टेंडेंसी आ जाएगी बच्चों, रिंग ओपनिंग होने की जैसे ही आपकी टेंडेंसी आ जाएगी तो यहां पर क्या होगा बच्चों, आपका यहां पर CH3, CH2, CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, Br। आई होप कि आपको आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा बच्चों, हमने यहाँ पर चारों ऑप्शन डिस्कस किए, इन चारों ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, डी डी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर होगा बच्चों। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों बोलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि ये C7H6 C12L नहीं है बच्चों, Cl2 है, Cl2 है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों यहां पर, अब एरोमेटिक कंपाउंड ए ये आपका रिएक्शन करेगा किसके साथ, AgNO2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट दे देना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, जब इसकी रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करवाई तो यहां पर आपका क्या बन रहा है बच्चों, C7H7OCl, ठीक है, वेरी गुड, काफी अच्छा है। और यहां पर अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बच्चों हमने KMnO4 में करवाना होगा बच्चों इसका ऑक्सीडेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है। तो ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बन रहा है बच्चों, मोनो क्लोरो बेंजोइक एसिड, ये हमको आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है। अब हम समझते हैं एक एक करके, सबसे पहला इसके बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले C7H6 और Cl2 कौन है, ठीक है, ऑप्शन ए हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर देखो यहां पर हमको दिया हुआ है CH2Cl और यहां पर हमको Cl, ऑप्शन बी हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन बी हमको दिया हुआ है CH2Cl, ये भी Cl, ये भी Cl और ये भी आपका Cl, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है यहां पर, देखो CL CL
CH3, ये आपको ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर CHCl Cl। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर किस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है। तो देखते बच्चों एक एक करके रिएक्शन को। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये आपका C7H6Cl2 नहीं है, ये आपका C7H6Cl2 नहीं है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन तो गया बच्चों, बी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो यहां पर Cl, यहां पर ये वाला Cl आपका निकलेगा नहीं, क्योंकि ये वाला Cl आपका किसमें है बच्चों, रेजोनेंस में है। यहां पर तो ये तो आपका होगा नहीं, यहां पर ये वाला Cl भी नहीं निकलेगा और ये वाला Cl भी नहीं निकलेगा। तो जब यहां पर दोनों Cl नहीं निकलेंगे तो यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बन सकता, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर आपका AgCl का प्रेसिपिटेट बन सकता है। ठीक है, यहां पर आपका ए और डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो अब हम देखते हैं NaOH के साथ, NaOH के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे यहां पर भी आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और यहां पर भी आपका क्या देगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका इस पॉइंट पर, 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 इस पॉइंट पर नहीं हो सकता, इस पॉइंट पर हो सकता है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी आपका नहीं होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। क्यों इस पॉइंट पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, सीएल एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम देख लेते हैं यहां पर, जैसे ही इसका मैंने रिएक्शन एनएओएच के साथ कराया, किसके साथ कराया बच्चों, एनएओएच के साथ जैसे ही मैंने इसका रिएक्शन कराया, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, यहां पर आपका बनेगा देखो ध्यान से CH2OH, यहां पर सीएल। ठीक है, अब ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन नहीं था। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, NaOH के साथ, NaOH के साथ जब ये आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, CHOHOH, और एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन नहीं हो सकते, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, यहां पर आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, यहां पर आपका बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन आपको जो प्रोडक्ट मिला है यहां पर NaOH के साथ, उसके अंदर एक सीएल है, क्या इसके अंदर सीएल है बच्चों, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका क्या बचा बच्चों, ये एक ऑप्शन बचा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देखो ध्यान से डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि आपका ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, इसको नोट डाल के आप लोग लिख लेना कॉपी में, ताकि आपको आगे फर्दर एग्जाम के लिए भी याद रहेगा। वैसे मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं बच्चों, यहां पर काफी इजी कंसेप्ट है। अगर मैंने ध्यान से देखते हैं बच्चों, अगर मैंने टोलुइन की रिएक्शन, किसकी, अगर मैंने यहां पर टोलुइन की रिएक्शन, टोलुइन का ऑक्सीडेशन करवाया, तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा COOH। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टोलुइन का, लेकिन अगर मैंने इसका भी करवाया एल्काइल हैलाइड, वो बेंजाइल हैलाइड का, बेंजाइल हैलाइड का, तो यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन कराने पर यहां पर भी आपका आ जाएगा COOH। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर मैं इसका करवाऊंगा, यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं इसका करवाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो इस वजह से यहां पर नहीं होगा। अगर मैं इसका भी ऑक्सीडेशन करवा दूंगा तो यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर COOH बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका ऑक्सीडेशन टोलुइन का, या फिर टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमेशा आपका CH3 ग्रुप आपका COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका ए ऑप्शन क्या था बच्चों, ए ऑप्शन आपका क्या था, यहां पर आपका ए ऑप्शन था बच्चों, ये आपका ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, यहां पर CH2Cl, यहां पर Cl। अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं
तो ये तो आपका कन्वर्ट नहीं होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, COOH और यहां पर Cl, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो ये आपका क्या होता है बच्चों, बेंजोइक एसिड, मोनोक्लोरो बेंजोइक एसिड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट था और ये आपका सिलेबस के बाहर नहीं है। आप अगर आइडिया लगाते तो इन दोनों से ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ये दोनों आइडेंटिफिकेशन आपके लिए सफिशियंट था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 आपको क्या बोला है कि एल्काइल फ्लोराइड बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाय, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाय, मतलब आपको ये बताना है। देखो ये आपका फिंकलस्टाइन रिएक्शन, अब देखो फिंकलस्टाइन रिएक्शन में आपका होता क्या है बच्चों, फिंकलस्टाइन रिएक्शन में आपका होता क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, आपका RX, ठीक है, RX मतलब X क्या हो सकता है, X यहाँ पर आपका क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaI और एसीटोन के प्रेजेंस में गर्म करूंगा तो यहाँ पर ये SN2 मैकेनिज्म से क्या देगा बच्चों, जल्दी बताओ, RI, यहाँ पर आयोडाइड निकालता है ये यहाँ पर क्या निकालता है, आयोडाइड निकालता है, तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बी ऑप्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन बच्चों मैंने आपको बताया था, स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है बच्चों, स्वार्ट्ज रिएक्शन आपका, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन में RX की रिएक्शन में अगर AgF, ठीक है, CO2F2, ठीक है, CoF2 के साथ, या फिर SbF5 के साथ, SbF5 के साथ मतलब हैवी मेटल के ऑक्साइड के साथ, HgG2F2 के साथ, या फिर HgF2 के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो आपका RF बनेगा, और साथ में अगर यहाँ पर मैंने Ag दिया है तो AgX बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू मैं क्या बना सकता हूँ, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड में किसके थ्रू बना सकता हूँ बच्चों, स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन रिएक्शन। अब जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पर RH और F2, F2 के साथ ये रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा पहली बात तो ये, और आपका F फ्री रेडिकल, हाईली क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है, ठीक है, हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, लेस रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल हटा दो बच्चों, ये आपका क्या होगा बच्चों, लेस रिएक्टिव, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वजह से इससे भी आपका नहीं बनेगा। और आपका डी ऑप्शन क्या है बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या था बच्चों आपका, आपका यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन डी ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ सैंडमेयर्स रिएक्शन आपका क्या था बच्चों, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट को अगर मैं CuCl2 या फिर CuBCO2Br2, ठीक है, या फिर HCl या फिर HBr के साथ रिएक्शन कराऊंगा, यहाँ पर CN भी बन सकता है लेकिन आपका फ्लोरिनेशन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर अगर HBr2 लिया तो यहाँ पर अगर मैंने इसको लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, Br, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लोरीन वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन बनाने के लिए आपको MbF4 लेना पड़ेगा, जो आपका पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ पर यहाँ पर आपका बना लेगा N2+BF4+, ठीक है, BF4-। नाउ इसको हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों, नाउ आपका फ्लोराइड बनेगा, ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन ये तो हमारा एल्काइल फ्लोराइड के लिए, यहाँ पर हमारा क्या बना, अराइल फ्लोराइड्स बना, तो इस मेथड का भी हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज बी,
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, काफी अच्छा है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ठीक है 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये है आपका ए ऑप्शन, आपको क्या दिया हुआ है बच्चों ध्यान से समझेंगे, CH3CH Cl CH3, ठीक है ये दिया हुआ है, इज अ सेकेंडरी हैलाइड, इज अ सेकेंडरी हैलाइड, ये आपका सेकेंडरी हैलाइड है, ये आपसे पूछा है। वेरी गुड, बहुत ही इजी था कि यहाँ पर क्लोरीन आपका 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। हाँ यस इट इज अ सेकेंडरी हैलाइड, यस इट इज अ सेकेंडरी हैलाइड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ये आपका, ये आपका सेकेंडरी हैलाइड है। अब बी ऑप्शन देखते हैं बच्चों, एसिटिलीन इज फॉर्म्ड व्हेन, एसिटिलीन इज फॉर्म्ड व्हेन CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है इज हीटेड विद वाटर, ठीक है आप वाटर के साथ हीट करने पर क्या होगा बच्चों देखते हैं। यहां पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर आ गया आपका Cl, ठीक है अब इसको वाटर के साथ हीट करेंगे तो क्या ये एसिटिलीन देगा। तो अगर मैं यहाँ पर एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट को भी देखूं तो एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो दैट्स व्हाई ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा, तो इसका मतलब आपका एसिटिलीन नहीं बनेगा, तो इनकरेक्ट में ये आपका इनकरेक्ट है बच्चों। ठीक है अगला देख लेते हैं, अगला आपको थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा बच्चों, CHI3 आयोडो फॉर्म अगर आपका AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका पीपीटी देगा, ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों ये आपका, और आपका CHCl3 अगर आपका AgNO3 सॉल्यूशन के साथ डालेंगे तो यहां पर आपका पीपीटी नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा आपको मगअप करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या बोलता है बच्चों, फ्रियोन इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ, वेरी गुड फ्रियोन इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ, ठीक है तो देखो अब यहां पर मैंने CCl4 की रिएक्शन SbF5 के साथ या फिर मैंने SbF3 के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं बच्चों तो यहां पर आपको CF2Cl2 मिलता है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, फ्रियोन 1 2, ठीक है फ्रियोन 1 2, इसका नाम होगा फ्रियोन 1 2, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बच्चों, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका बी। ठीक है आई होप कि आपको सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे कि कब कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है, कब कौन सा ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है। ठीक है काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, वेरी गुड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, ठीक है ये आपका क्वेश्चन है, ए देख लेते हैं बच्चों हम, अब ए ऑप्शन दिया हुआ है टू क्लोरो पेंटेन, ठीक है टू क्लोरो पेंटेन, अब मैं बना लेता हूँ स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CHCl, यहां पर CH3, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, बी ऑप्शन क्या है, 1 क्लोरो पेंटेन, तो यहां पर क्या होगा CH3 CH2 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 Cl, ठीक है दिस इज अ 1 क्लोरो पेंटेन। ठीक है सी ऑप्शन देख लेते हैं, यहां पर सी क्या है बच्चों, 3 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है अब इसको समझ लेते हैं, यहां पर CH3 CH2 CH, यहां पर Cl, यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर CH3, ठीक है अगला ऑप्शन डी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों,
टू मिथाइल पेंटेन, वन क्लोरो टू मिथाइल पेंटेन, ठीक है। यहां पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, Cl, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कायरल होने का कंडीशन क्या होता है बच्चों। कायरल कंपाउंड आपका कौन सा होता है? कायरल कंपाउंड आपका वो कंपाउंड होता है जिसमें असिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होता है। असिमेट्रिकल कार्बन जिसके अंदर आपका प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा, कायरल कंपाउंड। तो इसके अंदर असिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, आपका कायरल है, ठीक है। इसके अंदर आपका नहीं प्रेजेंट है, ये आपका क्या होगा, अकायरल मॉलिक्यूल। कौन सा होगा? अकायरल। यहां पर भी आपका असिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, आपका कायरल। यहां पर भी आपका असिमेट्रिकल असिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, कायरल। तो कौन सा आपका अकायरल होगा बच्चों? यहां पर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मूव करते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस इज फ्लोएस्ट इन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस इज स्लोएस्ट इन। देखो आप ध्यान से, ए ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों ऐसा। ये आपका सी एल, यहां पर आपका सी एल, यहां पर भी आपका सी एल, यहां पर आपका सी एल, यहां पर सी एल, यहां पर सी एल, ऑल आर एट प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजिशन, ठीक है। एक्सियल पोजिशन पे सबसे ज्यादा क्लोरीन है इसमें। बी देख लेते बच्चों, बी क्या होगा बच्चों, यहां पर बी आपका मैंने बोला, ये आपका सी एल एक्सियल पे, ये आपका इक्विटोरियल पे, ये आपका एक्सियल पे, ये भी आपका एक्सियल पे, ये आपका एक्सियल पे, और ये आपका इक्विटोरियल पे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बी, ठीक है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या बोला है, ऑल आर प्रेजेंटेड इक्वेटोरियल पोजिशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सी एल का ये भी इक्वेटोरियल पे, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, ये आपका इक्वेटोरियल, और ये भी आपका इक्वेटोरियल, ठीक है। डी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, यहां पर डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर सी एल, यहां पर आपका सी एल, और यहां पर आपका एक्सेल पे सी एल। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैं कुछ स्टेटमेंट आपको लिखाता हूं, तो उसके हिसाब से आपको आ जाएगा, ठीक है। एट एक्सियल पोजिशन एलिमेंट हैव हाई रिपल्सिव फोर्स, एलिमेंट हैव हाई रिपल्सिव फोर्स फोर्स ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से एलिमेंट आपके एक्सियल पोजिशन पे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स आपके फील करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका मिनिमम होगा। लेकिन इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा फील नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, उन दोनों के बीच हाई होगा। क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स फील करते, और हाई रिपल्सिव फोर्स फील करने की वजह से एक्सियल बॉन्ड हैव टेंडेंसी टू ब्रेक फर्स्ट। तो इसका मतलब एक्सियल बॉन्ड को मतलब टूटने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर अगर मुझसे पूछा जाता कि फास्टेस्ट कौन सा होता, तो फास्टेस्ट में क्या आता बच्चों, ए। और यहां पर मुझसे क्या पूछा बच्चों, स्लोएस्ट।
तो स्लोएस्ट में ज्यादा इक्विटोरियल बॉन्ड पे कहाँ है, इस पर है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, सी। थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, मैच द कॉलम। तो मैं सीधा आपको मैच द कॉलम बनाता हूँ बच्चों, फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पर डील कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखो, मैच द कॉलम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये देखो लिस्ट फर्स्ट और यहां पर लिस्ट सेकंड, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं, यहां पर रिएक्टेंट साइड है ये आपका कौन सा साइड है, रिएक्टेंट साइड। और यहां पर ये आपका क्या दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब देख लेते हैं एक एक करके बच्चों। यहां पर फर्स्ट CH3, CH2, 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 यहां पर CH2 तो 3 बार दिया हुआ है, तो मैंने इसको इस तरीके से ओपन कर लिया, ठीक है बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaBrH2SO4। बच्चों मैंने अभी अभी बताया था NaBrH2SO4 के साथ ही वो हीट करेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों, यहां पर CH3, CCH3, CH3, ठीक है, ऐसा है। और यहां पर OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन CH3, CH, CH2, CH3, CH2, एक और बार CH2 आएगा, फिर यहां पर CH3, इसकी रिएक्शन PBr3 के साथ ब्रोमीन ऐड होगा बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं बच्चों, यहां पर एमी, एमी, ठीक है, यहां पर CH CH2 OH, ठीक है। अब इसको SOCl2, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, डार्जन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डार्जन रिएक्शन, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों, CH3 CH Br, यहां पर आपका CH2 CH2 CH3, ए ऑप्शन। आप देखते हैं बी ऑप्शन, Me Me CH CH2 Cl, ठीक है, वेरी गुड। सी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, CH3 CCH3 CH3 Cl। बेटा इस क्वेश्चन के ऑप्शन को तो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम इसको बता सकते हैं इजीली बच्चों, इसको तो ऑप्शन को तो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बता सकते हैं बच्चों। ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन, यहां पर 5 कार्बन और यहां पर आपके 4 कार्बन है। तो यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर NaBr के साथ तो केवल एक ही है, तो इसका ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ देख लेते हैं PBr3, ये आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए काम आता है और ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए काम आता है, मैंने आपको लिखवाया था बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां से हटेगा तो यहां पर ये होगा, ये आपका SN2 से आपका प्रोग्रेस होगा, ठीक है। नाउ SOCl2, इसको बोलेंगे डार्जन रिएक्शन, और ये आपका SNI, ठीक है, SNI मैकेनिज्म से फॉलो होगा, तो इसका क्या होगा बच्चों, B होगा। अब इसका क्या होगा बच्चों, इसका होगा C। तो यहां पर आंसर क्या है बच्चों, फर्स्ट का आपका क्या है बच्चों, फर्स्ट का आपका होगा ऑप्शन D, सेकेंड का आपका क्या होगा बच्चों, C, थर्ड का आपको क्या होगा बच्चों, ए, और फोर्थ का आपको क्या होगा बच्चों, फोर्थ का आपका होगा बी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था ये। अगर इस क्वेश्चन में अगर गलती होती तो बच्चों आपको फिर से टॉपिक को एक बार रिवाइज करना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ठीक है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये आपका। अगला नेक्स्ट, अब हम समझते हैं यहां पर अरेंज 33 क्वेश्चन। अरेंज अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी, ठीक है, उसके डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ये आपका हो गया, देखो बच्चों ये आपका हो गया कंपाउंड फर्स्ट,
ये आपका हो गया यहाँ पर कंपाउंड सेकंड, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर कंपाउंड थर्ड, ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों यहाँ पर कंपाउंड फोर्थ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो डेंसिटी के लिए हम सीधा एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट बच्चों, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास, ठीक है। आप देखो मॉलिकुलर मास यहाँ पर जिसका ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन था। तो यहाँ पर डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आएंगे तो फर्स्ट का सबसे कम है, उसके बाद सेकंड का ज्यादा है, उसके बाद आपका थर्ड का ज्यादा है, और उसके बाद आपका फोर्थ का ज्यादा है। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों इसमें, इसमें आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है बच्चों, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H9Cl ऑन रिएक्शन, इसको एक्स बोल दिया, ऑन रिएक्शन विद विद Na डाइइथाइल ईथर। बच्चों मैं सीधा बोल दूं कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये आपका वुड्स रिएक्शन है। किससे रिलेटेड है बच्चों, वुड्स रिएक्शन से, गिव्स अ हाइड्रोकार्बन विच ऑन मोनोक्लोरीनेशन, ठीक है, विच ऑन मोनोक्लोरीनेशन गिव्स ओनली वन क्लोरो डेरिवेटिव। अब देखो कौन कौन से होंगे इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चारों ऑप्शन के हिसाब से हम इसमें पता लगाएंगे कि इसका तो आंसर हम बता देंगे एक ही बार में, लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शन के हिसाब से नंबर ऑफ क्लोरो डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों यहां पर एक एक करके, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको क्या बोला है बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो देखते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर ए, देखो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में आपको बना देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने बना दिया, ये Cl, ये आपका कौन सा रिएक्शन है, Na ड्राई ईथर के साथ ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, वुड्स रिएक्शन, कौन सा होगा, वुड्स रिएक्शन। अब ये आपका वुड्स रिएक्शन है बच्चों। अब देखो वुड्स रिएक्शन में आपका क्या होता है, सीधा आपका कंपाउंड आपका ऐड होगा, ठीक है, सीधा आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कंपाउंड आपका ऐड होगा। तो यहाँ पर सीधा अगर आपका कंपाउंड ऐड होगा तो आपका क्या बनेगा, ये इस टाइप का कोई प्रोडक्ट आपका बनने की पॉसिबिलिटी है बच्चों, ठीक है, इस टाइप का आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इसका मोनोक्लोरीनेशन करा दूंगा, अगर मैं इसका मोनोक्लोरीनेशन कराऊंगा तो मोनोक्लोरीनेशन कराने पर यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी आपका सेम टाइप का, ये भी आपका सेम टाइप का, यहाँ ये भी आपका सेम टाइप का है, ये भी आपका सेम टाइप का, ये भी आपका सेम टाइप का, ये भी आपका सेम टाइप का, मतलब यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन एक ही टाइप के, तो यहाँ पर आपका कहीं पर भी जोड़ेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, सिमिलर ही बनेगा, आईयूपीएसी नेम में कोई चेंज नहीं होगा। देखो बच्चों टाइप ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन निकाल के आईयूपीएसी नेम आप चेक कर लो, कहीं पर भी आप क्लोरीन नहीं जोड़ोगे तो ये इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों, आपका सिमिलर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 C C, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, CH2 CH3 ट्वाइस CH2 Cl, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही टाइप का आपका प्रोडक्ट बनेगा और उसका आईयूपीएसी नेम हर कंडीशन में आपका क्या होगा बच्चों, सिमिलर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका ऑप्शन कौन सा था बच्चों, तो यहां पर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, ये आपका कितना दे रहा है, वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं इसका ऑप्शन नंबर बी में
ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर भी मैं ऑप्शन नंबर बी डिस्कस करता हूं और आपको ऑप्शन नंबर सी और डी में नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करने बच्चों। ठीक है, तो यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं, यहां पर मैं डी डिस्कस करता हूं, डी ऑप्शन में डिस्कस करता हूं। आपको यहां पर बी और सी बनाना है। ठीक है बच्चों, दोनों में बताना है। देखो CH3 CH2 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 एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये Cl, इसकी रिएक्शन मैंने Na ड्राई ईथर के साथ करवा दिया। Na ड्राई ईथर के साथ करवाया तो क्या होगा बच्चों, देखो CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, अब देखो ये एक टाइप का हाइड्रोजन है, ये भी उसी टाइप का होगा, ये दूसरे टाइप का हाइड्रोजन है, ये भी दूसरे टाइप का होगा, ये भी तीसरे टाइप का है तो ये भी आपका तीसरे टाइप का होगा, ये फोर्थ टाइप का है तो ये भी आपका फोर्थ टाइप का होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर Cl2 और मोनोक्लोरीनेशन कराएंगे तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल टोटल टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने बच्चों, यहाँ पर टोटल टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर चार है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आपके चार हो जाएंगे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बच्चों, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, हम यहाँ रेडियो सेलेक्टिव मिक्सचर की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या बोलता है देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका बोला है कि कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, C8H8Br दिया हुआ है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं AgNO3 के साथ कराता हूँ एल्कोहलिक मीडिया में, तो ये आपका क्या दे रहा है बच्चों, येलो प्रिसिपिटेट। ठीक, क्या दे रहा है, येलो प्रिसिपिटेट। अब मैं आपको बता दूं येलो प्रिसिपिटेट किसका देगा, AgBr का। सेम क्वेश्चन आपका 27 और 35 में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि अगर मैंने ए का ऑक्सीडेशन करा दिया, ए का ऑक्सीडेशन करा दिया तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर C8H6O4। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन कराया तो ऐसा बना, वेरी गुड, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि अब आपको ये जो आपका कंपाउंड बना है वो इजीली क्या फॉर्म कर देगा, एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड फॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो एनहाइड्राइड कैसे फॉर्म होगा बच्चों, अगर दो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो आपका एनहाइड्राइड आपका फॉर्म हो जाएगा, आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से एच यहाँ से OOH, तो आपका यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब ऐड करेंगे तो उसका मिक्सचर ही आपको क्या बना देगा, एनहाइड्राइड। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे बच्चों, दो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बोलता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमको दिया हुआ है ये CH2Br ये और यहां पर CH3। ऑप्शन नंबर बी हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमको दिया हुआ है यहां पर C2H5 यहां पर Br। ऑप्शन नंबर सी हमको क्या दिया हुआ है यहां पर बच्चों, CH2Br और यहां पर क्या दिया हुआ है, CH3। ऑप्शन नंबर डी हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमको दिया हुआ है CH2Br और यहाँ पर CH3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आपका क्या देगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर क्या देगा बच्चों आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका ये वाला दे सकता है, ये वाला यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं देगा। ठीक है, ये भी आपका दे सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर भी आपका दे सकता है। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर हमको COOH, यहाँ पर भी हमको COOH मिल जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर भी हमको COOH और यहाँ पर भी हमको COOH। अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर हमको क्या बनेगा, यहाँ पर हमको COOH,
यहाँ पर हमको सी डबल ओ एच। देखो एडजेसेंट एटम पे अगर जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वहां पर क्या होगा, ये एच आपका बाहर निकलेगा, यहां से ओ एच, ये तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तुरंत आपका ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्राइड में, मतलब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी आपका एडजेसेंट एटम पे होगा तभी हम ऐसा फिनोमिना लेंगे। तो आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों मैच द कॉलम। अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम अब हम देख लेते हैं अच्छे से। तो मैच द कॉलम में मैं आपको बना था, यहाँ पर मैच द कॉलम ही बताता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख दिया लिस्ट वन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट टू। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, ये आपका बेंजीन है, ये एक्स, ठीक है, आर एक्स, एन ए ड्राई इथर। अब आपका क्या बना दिया इसने, टोलुइन बना लिया, टोलुइन भी बना सकते हैं। आर अगर आपका CH3 होगा तो बच्चों क्या बना लेगा, टोलुइन बना लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है बच्चों, ये आपका ए, यहाँ पर बी। बी क्या है बच्चों आपका, इस तरीके का रिएक्शन है ये एक्स। ठीक है, टू, यहाँ पर क्या लिया है बच्चों, टू एन ए ड्राई इथर आपका क्या बनाएगा, बाई फिनाइल, यहाँ पर क्या बनाएगा। वैसे तो आपको प्रोडक्ट याद होने ही चाहिए इसके, काफी इजी क्वेश्चन से, बाई फिनाइल प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो अभी अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ये क्वेश्चन अभी अभी हम यहाँ पर डिस्कस भी कर चुके हैं, Cu2X2, और यहाँ पर क्या बना रहा है बच्चों, एक्स बना रहा है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, N2 गैस बाहर निकलेगी। डी ऑप्शन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, C2H5Cl NaI के साथ जब रिएक्शन करेगा एसीटोन के प्रेजेंस में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, C2H5I। ठीक है, आई होप कि हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन पी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन, कई कई बुकों में फिटिंग लिखा हुआ है लेकिन हम क्या बोलेंगे, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, क्यू क्यू क्या होगा बच्चों, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब यहां पर आर क्या होगा बच्चों, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, और आपका डी क्या बोल, एस क्या बोला बच्चों, सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो यहां पर इसके बारे में तो मैं पहले ही डिस्कस कर सकता हूँ, डाई एजोनियम सोल्ट के साथ, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है बच्चों, सेंडमेयर है, ये आपका कौन सा है, फिंकलस्टाइन है, बाई फिनाइल। देखो दोनों अगर एरोमेटिक हैलाइड होगा तो हमेशा क्या होगा, वुड फिटिंग रिएक्शन, और अगर एक एल्काइल होगा एक एरोमेटिक होगा तो क्या होगा बच्चों, वुड्स फिटिंग। लेकिन अगर दोनों एल्काइल होंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के लिए क्या चाहिए बच्चों, वुड्स रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, दोनों आपके एल्काइल होने चाहिए। ठीक है बच्चों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन का मतलब है एरोमेटिक होगा तो आपका फिटिंग रिएक्शन होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसेमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन इज हाइड्रोलाइसिस विद KOH। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है जिसको KOH के प्रेजेंस में हमको क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर आपका रेसेमिक प्रोडक्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर आपका रेसेमिक प्रोडक्ट आपका आना चाहिए, रेसेमाइजेशन होना चाहिए, सिंपल बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा KOH के साथ तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर ये बनेगा CH2OH। क्या ये आपका कायरल कार्बन है, यहाँ पर आपकी कायरलिटी नहीं है, ये आपका अकायरल है, अकायरल मॉलिक्यूल होगा तो आपका रेसिमिक प्रोडक्ट आपका बनेगा ही नहीं।
रेसेमिक प्रोडक्ट आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर ये फर्स्ट है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन अगर मैं KOH के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH, ये भी आपका क्या है बच्चों, अकायरल होगा, और अकायरल होगा तो यहाँ पर आपका क्या नहीं बनेगा बच्चों, रेसेमिक प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन CH3 CH CH3 CH CH2 Cl, अगर इसका KOH के साथ कराएंगे, ठीक है, KOH के साथ कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी है, और ये सारे के सारे आपके SN2 पाथवे को फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, SN2 को, SN1 तो होगा नहीं, वो 1 डिग्री आपका, जल्दी से देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका CH CH3 CH2 OH, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा बच्चों, अकायरल होगा, यहाँ पर भी आपका रेसेमिक प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। ठीक है, नाउ फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, अब हम फोर्थ में आपका CH3 CH C2H5 Cl, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं KOH के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, CH3 COH C2H5 H, तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा, ये आपका कायरल कार्बन होगा, और कायरल कार्बन होने की वजह से यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, आपका रेसेमिक प्रोडक्ट बन सकता है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, आपका फोर्थ ऑप्शन आपका रेसेमाइजेशन करेगा बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आप सबने कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों काफी अच्छा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन, अब पहले रिएक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के थ्रू कौन सा आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इसको देख लेते हैं, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ये आपका NO2, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन में अगर NH3 के साथ कराऊंगा, NH3 आपका क्या निकालेगा बच्चों, NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो अब ध्यान से समझोगे तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये आपका कौन सा पाथवे होगा बच्चों, ये काफी अच्छा रिएक्शन है, ये आपका होगा SNAR पाथवे जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका यहाँ NH2 आ जाएगा, यहाँ NO2 आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, इस टाइप का आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हीट और प्रेशर, ठीक है, वेरी गुड, अब हमको क्या बोला, ये आपका फर्स्ट नंबर का है, ये आपका फोर्थ नंबर का है, ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये आपका सिक्स और ये फाइव, क्या बोला है, ऑप्शन है, नो रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज Cl इज लिंक्ड टू बेंजीन रिंग। बच्चों ये तो बिल्कुल गलत है, मैंने तो रिएक्शन करवा दी है, जब रिएक्शन हो गई है तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। बी ऑप्शन देखो, अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन will take place in which both Cl bond will be replaced by NH2 group। बच्चों ऐसा हो हुआ ही नहीं, यहाँ पर एक ही Cl bond आपका रिप्लेस हुआ, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट सी, अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है, बिल्कुल सही है, इन विच ओनली Cl अटैच्ड टू C1 विल रिप्लेस्ड बाय NH2, करेक्ट है बच्चों, रिप्लेस्ड बाय
NH2 के साथ केवल एक ही वाला करेक्ट हुआ, ठीक है ये आपका करेक्ट है। और बाकी आपका C4 वाला अगला सेम ऑप्शन है, लेकिन यहां पर इन विच Cl अटैच टू C4 विल रिप्लेस्ड बाय NH2, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। देखो क्यों बच्चा, C4 वाला आपका रिप्लेस नहीं हुआ, आपका केवल C1 वाला रिप्लेस हुआ। तो आई होप कि आपको ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, काफी अच्छे, काफी सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन थे, लॉजिकल क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर 39 39 को क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, आपको मेजर प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है। देखो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका NO2, ठीक है, यहाँ पर CH2, CH3, ठीक है। अब यहाँ पर Br2 हीट HNu, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था Br2, सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन वही है ना बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका रेजोनेंस कर जाएगा बच्चों। तो फ्री रेडिकल यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ बनाएंगे तो यहाँ स्टेबल आपका होगा ही नहीं, चाहे NO2 लगे ही या फिर ना लगे, आप हमको रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, यहाँ पर हमारा CH Br, यहाँ पर CH3 और 13 पोजीशन पे NO2, ठीक है। अब आपका इसका IUPAC नेम सबसे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ए फोर ब्रोमो मिथाइल फिनोल, ठीक है। फोर ब्रोमो मिथाइल फिनोल मतलब ये आपका IUPAC नेम नहीं होगा, यहाँ पर ब्रोमीन आपका फोर पे लग जाएगा, नहीं ये आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते बच्चों, फोर वन ब्रोमो इथाइल, ठीक है, वन ब्रोमो इथाइल इथाइल नाइट्रोबेंजिन, वेरी गुड, नाइट्रोबेंजिन। यहां पर NO2 को हटा दिया है, सीधा लगा दिया है, ठीक है, NO2 को हटा के सीधा लगाया, फोर ब्रोमो मिथाइल मतलब इस तरीके से, ये आपका यहां पर फिनोल, ये आपका OH, यहां पर आपका CH2 Br, ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब देखते हैं, नाइट्रोबेंजिन, तो नाइट्रोबेंजिन मैंने पहले बना दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर फोर पोजीशन पे इथाइल लगा दिया CH3, और यहां पर ब्रोमीन लगा दिया, वन टू वन ब्रोमो इथाइल फोर नाइट्रोबेंजिन, वेरी गुड बच्चों, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, उसका नाम आपका ये होगा। अब सी हम देख लेते हैं, सी क्या है, फोर ब्रोमो इथाइल नाइट्रोबेंजिन, ठीक है, फोर ब्रोमो इथाइल नाइट्रोबेंजिन। बच्चों यहाँ पर इथाइल के बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं दिया है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते इथाइल कहाँ जुड़ा है, इथाइल पे भी एक आपका सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, तो ये IUPAC नेम ही नहीं है बच्चों, गलत है। डी आपका क्या दिया हुआ है, नाइट्रोबेंजिन, डी आपका क्या दिया हुआ बच्चों, नाइट्रोबेंजिन। तो नाइट्रोबेंजिन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, गलत है ये भी। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों, और इसका नॉमेनक्लेचर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। 39 क्वेश्चन बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे ऑप्शन, ठीक है। तो 39, अब देखो 39 के बाद अब हम चलते हैं 40 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या था बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अच्छा, तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड SN2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन
टुवर्ड एसएन2 मैकेनिज्म, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन क्या है, वन ब्रोमो, टू मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या था बच्चों, वन ब्रोमो, ऑप्शन बच्चों ये, यहाँ पर आपको चार कंपाउंड दिए हुए, चार कंपाउंड के बीच हम डिस्कस कर लेते हैं, टू टू डाई मिथाइल, वन प्रोपेन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन ब्रोमो, थ्री मिथाइल ब्यूटेन, नेक्स्ट वन ब्रोमो ब्यूटेन, ये हमारे पास है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन को हमको डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों, एक एक करके करते हैं। यहाँ पर SN2 रिएक्टिविटी, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि रिएक्टिविटी टुवार्ड SN2, रिएक्टिविटी टुवार्ड SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर ब्यूटेन बना लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH, यहां पर टू पर मिथाइल लगा दिया बच्चों, यहां पर ब्रोमीन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट था, ठीक है। सेकेंड आपका एग्जाम में क्या है बच्चों, CH3, CH2, CH, ठीक है, इस पर आपके तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, टू टू डाइमिथाइल और यहां पर ब्रोमीन। नाउ अब अगला, ये आपका सेकेंड, अगला कौन सा बच्चों आपका, देखते हैं, CH3, CH2, 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 Br, ठीक है, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल, मतलब ये आपका मिथाइल ग्रुप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन था, ठीक है बच्चों। और आपका फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन CH3, CH2, 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 ठीक है, वन पर आपका ब्रोमीन लग रहा था, ठीक है, दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन। तो अब हम समझते हैं कि यहां पर आपका ऑर्डर क्या होगा। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बच्चों, जब ये आपके स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है बच्चों, फोर्थ में। उसके बाद बच्चों देखेंगे तो थर्ड में ग्रुप आपका दूर है, देखो ये आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है, तो ग्रुप के हिसाब से स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। यहाँ पर ग्रुप कोई भी ब्रांच आपका नहीं है, तो फोर्थ आपका सबसे ज्यादा, यहाँ पर ब्रांच आपके 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे, इसलिए आपका थर्ड। थर्ड के बाद यहाँ पर ब्रांच आपका सेकंड पोजीशन पे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट। और सबसे लेस रिएक्टिव आपका कौन होगा बच्चों, सेकेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे बच्चों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 41। तो हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 कैसे होगा बच्चों, सॉल्व ये देखते हैं हम एक एक करके ध्यान से, एक एक करके ध्यान से देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। हाँ काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों ये तो। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करेंगे बच्चों, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव रेसेमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपका कौन सा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवार्ड रेसेमिक मिक्सचर बनाएगा। देखो OH माइनस आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर OH माइनस आएगा तो फर्स्ट देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम CH3 CH C2H5 Br, सेकेंड हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर CH3 C2H5 Br, ठीक है। थर्ड आपका काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन नंबर 37 सेम सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर CH3 CH
C2H5, ठीक है, C2H5, यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर आपका Br2, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने पर कौन आपका रेसिमिक प्रोडक्ट बनाएगा? देखो ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर Br हटेगा, यहाँ पर Br हटेगा और यहाँ पर OH आएगा। जिस कार्बन से आपका Br हटेगा उस कार्बन पर आपका OH आएगा, और वही कार्बन आपका क्या है बच्चों, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर है, इसलिए ये आपका रिएक्शन को शो करेगा। अब देखो यहाँ से Br हटेगा, यहाँ पर OH आएगा, ठीक है, लेकिन ये आपका कायरल सेंटर नहीं है, ये आपका कौन सा है, अकायरल मॉलिक्यूल, कौन सा है, अकायरल। अब देखो यहाँ से Br हटेगा और यहीं पर क्या जाएगा, OH माइनस, क्या ये कायरल सेंटर है, ये आपका कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ये आपका क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल आपका कायरल है लेकिन ये आपका यहाँ पर ये आपका अकायरल सेंटर है, ये कौन सा सेंटर है, अकायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल आपका कायरल है, मॉलिक्यूल आपका कायरल है इस पॉइंट के टुवार्ड, लेकिन इस पॉइंट के टुवार्ड ये आपका अकायरल सेंटर है। इस पॉइंट पर अगर आपका असिमेट्रिकल, इस पॉइंट पर अगर आपका असिमेट्रिकल है तो ही आपका क्या बनेगा बच्चों, रेसेमिक प्रोडक्ट। तो यहां पर रेसेमिक प्रोडक्ट केवल और केवल कौन बनाएगा बच्चों, फर्स्ट। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, काफी ये ना अच्छा क्वेश्चन है। मॉलिक्यूल कायरल है, मॉलिक्यूल आपका इस पॉइंट के टुवर्ड का कायरल है, लेकिन रेसेमिक प्रोडक्ट कब, OH माइनस, तो OH माइनस जहां से हटेगा, Br जहां से हटेगा वहां OH माइनस आएगा, तो वहां OH माइनस आएगा, तो अकायरल, इस पॉइंट पर अकायरल टी है, इस पॉइंट पर सिमेट्रिकल कार्बन है, कार्बन के चारों ओर यहाँ पर H और H ग्रुप आपका क्या है, सिमेट्रिकल है, इसलिए ये आपका अकायरल है। लेकिन ध्यान रखना मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, यहाँ पर कायरल, तो यहाँ पर आपका SN2 रिएक्टिविटी है, OH माइनस मतलब SN2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपका कौन सा है बच्चों, ये आपको देखना है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं बच्चों। ए RX अगर NaI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, RI, ठीक है। यहां पर देखो हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज कर रहा है, यहां पर X आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आप जानते होंगे ये आपका फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, ठीक है, तो ये आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है। इसका आपका बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर एल्कीन और यहाँ पर HX, जब ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनाएगा HC, यहाँ पर X, इस तरीके से कंपाउंड बनाया इसने, यहाँ पर ये क्या है बच्चों, X है, ठीक है। अब ये आपका हेलोजन एक्सचेंज थोड़ी ना, यहाँ पर पहले से हेलोजन थोड़ी ना है, ये तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, ऑप्शन नंबर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, सी, सी आपका बच्चों क्या है, ROH की रिएक्शन, जब मैंने किसके साथ, यहाँ पर HX के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में कराया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, RX बन रहा है और H2O निकलेगा, ये भी आपका क्या है, हेलोजन एक्सचेंज नहीं है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आपका SN1 और SN2 से चलने वाला रिएक्शन है, तो ये भी आपका नहीं होगा। डी ऑप्शन देख लेते बच्चों, डी ऑप्शन क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपका टोलुइन दिया हुआ है, अब देखो टोलुइन Fe डार्क में हेलोजिनेशन, देखो टोलुइन की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है बच्चों, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा, तो यहाँ पर X और एक बार यहाँ पर आपका X आ जाएगा, ठीक है, यह आपका कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, यह आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन है, यह आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं है, तो केवल और केवल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपका कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका हेलोजन एक्सचेंज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, SN2 रिएक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 43, यहां पर अरेंज द फॉलोइंग इन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू वार्ड SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, आप जानते हो बच्चों, जैसा कि अभी मैंने
थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या था, SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जहां स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा वो रिएक्शन आपका SN2 रिएक्शन नहीं देगा। SN2 रिएक्शन में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए बच्चों, काफी कम होना चाहिए। तो अब हम एक एक करके देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। सेकंड आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, CH3 CH2 CH Cl और यहाँ पर CH3, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है CH3 CCH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पर दो ही है बच्चों, यहाँ पर CH और यहाँ पर आपको दिया हुआ है CH CH2 Cl। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका कौन सा है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन आपका है CH3 CCH3 CH3 और यहाँ पर Cl। अब सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है SN2 में, तो ये आपका 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री। तो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री है ये, और यहाँ पर तो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आपका कौन होगा बच्चों, थर्ड, थर्ड के बाद आपका कौन सा होगा 2 डिग्री, सेकंड, और सेकंड के बाद कौन सा होगा बच्चों आपका फोर्थ। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। तो आई होप कि ये ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 क्वेश्चन बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है ये, मैंने आपको नोटबुक में भी करवाया हुआ होगा कहीं ना कहीं बच्चों, हाइड्रोकार्बन में। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, यहां पर 44 क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द, सीधा मैं रिएक्शन लिखता हूं बच्चों, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 1-bromo-3-chloro 1-bromo-3-chloro साइक्लोब्यूटेन रिएक्ट विद टू इक्विवेलेंट मतलब Na ड्राई ईथर, मतलब दो मोल लेने, मुझे इसके दो मोल लेने पर आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है बच्चों, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा ये क्या है, एक टाइप का बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब मैं बच्चों आपको होमवर्क देता हूँ, इसका होमवर्क आपको, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये आपका वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले यहां से आपका निकलेगा, ठीक है, सबसे पहले ये आपका निकलेगा, यहाँ माइनस क्रिएट करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकलेगा। मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले Br निकलेगा एज अ लिविंग ग्रुप, यहाँ पर माइनस आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर आपका Cl बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो, फर्स्ट स्टेप में Br निकला, फर्स्ट स्टेप में आपका Br निकलेगा। एक और बात मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपका क्या निकलेगा बच्चों, Br निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, नाउ ये इस पर अटैक करेगा, कौन सा मैकेनिज्म आएगा बच्चों, यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म, और यहाँ से आपका Cl बाहर निकलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नाउ अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या बोलता है बच्चों, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। देखो SN2 रिएक्टिविटी 45 में भी आपको कौन से रिएक्टिविटी के अरेंज आपको अरेंज करना है बच्चों, SN2 रिएक्टिविटी। SN2 रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको देख लेते हैं, यहां पर ये आपको दिया हुआ है फर्स्ट, ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल आपको कौन सा दिया हुआ है बच्चों, ये आपको सेकंड दिया हुआ है, थर्ड आपको कौन सा दिया हुआ है, थर्ड आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहां पर Br, और फोर्थ आपको कैसा दिया हुआ है, ये आपको फोर्थ दिया हुआ है, ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री। तो इसमें तो काफी इजी है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो इसलिए फोर्थ वन आपका सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सा होगा बच्चों आपका सेकंड, सेकंड के बाद आपका कौन सा होगा, सेकंड के बाद आपका कौन सा होगा बच्चों, थर्ड या फर्स्ट, फर्स्ट होगा बच्चों क्योंकि सेकंड डिग्री है, यहां पर कौन सा होगा बच्चों आपका थर्ड। तो आई होप कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, इसका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इससे मैच खा रहा है बच्चों, बी ऑप्शन।
तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये आपका। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन किस तरीके से डील करना है बच्चों हमको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को हमको डील करना आना चाहिए। ठीक है, इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे बच्चों। तो देखते हैं, नंबर ऑफ असाइक्लिक आइसोमर ऑफ C4H4Cl। ठीक है क्वेश्चन, नंबर ऑफ असाइक्लिक आइसोमर ऑफ C4H9Cl। आपको इसका असाइक्लिक आइसोमर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, इसका DOU काउंट कर ले। तो DOU काउंट कर लेते, देखो DOU क्या करते हैं बच्चों। देखो यहां पर C4H9, ठीक है, यहां पर मोनोवेलेंट है, यहां पर Cl क्या है बच्चों, मोनोवेलेंट है। तो इसको हाइड्रोजन से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे, तो यहां पर C4H10। और अगर मैं इसका DOU निकालना चाहूं तो इसका DOU कितना होगा बच्चों, इसका DOU आपका होगा 0, क्योंकि यहां पर आपका कितना, यहां पर आपका हाइड्रोजन कितने डिफिशियंट है बच्चों, यहां पर 10 हाइड्रोजन आपके होने चाहिए, और यहां पर भी हाइड्रोजन भी कितने बच्चों, 10 है। तो इसका DOU कितना होगा बच्चों, 0। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं होगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड नहीं होगा, साइक्लिक रिंग भी नहीं होगी, तो यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड भी आपका नहीं होगा, ये तीनों आपके नहीं होंगे। तो ठीक है, तो ये आपका सिंगल चेन स्ट्रक्चर है। तो चेन स्ट्रक्चर के कैसे बनेंगे, देखो CH3 CH2 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 Cl, ये हो गया पहला। दूसरा आपका क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर CH3 CH Cl CH2 CH3, ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर हम इस, देखो अब दोनों बन गए, हम इस अब इसके आइसोमर निकालते हैं, इसके चेन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो CH3 CH CH3 CH2 Cl, ये आपका हो गया थर्ड। ठीक है, अब देखो फोर्थ कैसे बनाएंगे बच्चों। अब देखो अगर मैं CH3 को यहां ले जाऊं तो भी वही बात आपका हो जाएगा बच्चों, सिमिलर आपका पॉइंट आपका आ जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं, इसके अलावा एक और आइसोमर हम कैसे बनाएंगे बच्चों। देखो इसी को अब हम देख लेते हैं, CH3 CH CH3, यहां पर Cl लगा दिया, यहां पर CH3, एक ये होगा बच्चों। तो आई होप कि आपको सारे आइसोमर समझ में आ गया, वो आ गए होंगे। सबके IUPAC नोमेनक्लेचर डिफरेंट होने चाहिए, सबके IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होंगे बच्चे, यहाँ पर डिफर कर जाएंगे। ठीक है, आपको केवल और केवल यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा है, कि कौन सा आइसोमर पूछा है, स्ट्रक्चरल। अगर आपको स्ट्रक्चरल के अलावा और भी आइसोमर पूछा होता, यहाँ पर हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हैं बच्चों। आप लोग देखो सब सब में आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी आप लोग काउंट कर सकते हैं। ये तो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 46, जिसका आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, जिसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका क्या बोलता है बच्चों, इन द डाइक्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन द नंबर ऑफ आइसोमर इन मिक्सचर। देखो यहां पर बोला है CH3 CH2 CH3, इसका आपको डाइक्लोरीनेशन कराना है, मतलब दो बार क्लोरीनेशन कराना है। डाइक्लोरीनेशन मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ क्लोरीन कितने होंगे बच्चों, दो होंगे। तो इसका मतलब यहां पर C3H, यहां पर H कितने बच्चों काउंट कर लो, यहां पर H आपके 8 है, तो यहां पर C6H6, ऐसा कुछ कंपाउंड बनाना है। और इसका आपको क्या बताना है बच्चों, टोटल आइसोमर आपको बताना है, यहां पर 2 आएगा, टोटल आइसोमर बताने। तो देख लेते हैं, यहां पर इसका भी आपका DOU कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, जब आपका DOU 0 होगा तो यहां पर CH, ये आपका Cl, ये मैंने एक बना दिया बच्चों, ये मेरे पास फर्स्ट आ गया। सेकेंड देख लेते हैं बच्चों, CH3 CH2 C, यहां पर CL CL, और यहां पर H, यहां पर ये आ गया आपका 2। ठीक है बच्चों,
एक हो जाएगा बच्चों आपका सी ए, यहां पर आपका सी एल आ जाएगा, CH2, 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 CL, ये भी आपका थर्ड हो गया। एक इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक हम इस तरीके से भी बना सकते हैं बच्चों, CH3, CH, CL, CH2, CL, हाँ ये भी आपका हो जाएगा फोर्थ। अब हम देखेंगे कि सबका यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है बच्चों, डिफर है। इसके अलावा अगर हम और बनाएंगे तो यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर आपका क्या होने लग जाएगा, आपका रिपीट होने लग जाएगा। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज फोर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों मैंने आपको बताया था यहां पर बी आर और यहां पर आपका क्या है बच्चों, एफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। अब देखो यहां पर क्या है बच्चों, आपका एल आई ए जी के साथ रिएक्शन कराना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस के बाहर भी है बच्चों, तो हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये वाला समझ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पर एल आई ए जी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों आपका, बेंजाइन। यहां पर क्या बनेगा बच्चों आपका, बेंजाइन, क्योंकि एफ यहां से यहां पर डबल बॉन्ड में यहां कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये यहां से निकलेगा एज अ लिविंग ग्रुप, ये एज अ लिविंग ग्रुप निकलेगा, ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा, तो यहां पर ए जी बी आर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, और एल आई एफ भी आपका निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों, बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा होगा बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया बच्चों यहां पर प्रोसीड। अब जब यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, अब देखो यहां पर ये क्या है बच्चों, यहां पर ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक है, लेकिन यहां पर इस तरीके से रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर रिएक्शन होगी डील्स एल्डर रिएक्शन, डील्स एल्डर रिएक्शन 1,4-साइक्लो रिएक्शन। ठीक है, इसको हम इसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो अभी हम जान लेते हैं। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियल माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल प्लस। अब देखो ये वाला अटैक करेगा इस पोजीशन पे और ये वाला अटैक करेगा इस पोजीशन पे, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहां पर ओ, यहां पर ये। ठीक है, अब जब आपका बॉन्ड टूटने के बाद यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर आपका एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, देख लेते हैं, यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ रिंग पूछा था आपसे, तो नंबर ऑफ रिंग कितने बच्चों इस प्रोडक्ट में, दो। नंबर ऑफ रिंग कितने बनेंगे बच्चों प्रोडक्ट में, दो बनेंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डील्स एल्डर रिएक्शन। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इजी रिएक्शन है बच्चों, काफी टफ नहीं है। देखो एक मैं एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने लिया कोई प्रोडक्ट, अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है। ठीक है, ये मैंने क्या लिया बच्चों, एल्कीन। अभी मैं जस्ट केवल आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन में है, ये इस तरीके से। तो देखो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल माइनस, यहां पर क्या आएगा, पार्शियल प्लस, सॉरी यहाँ पार्शियल प्लस और यहां पर पार्शियल माइनस। ये यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से समझते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा तो ये वाला बॉन्ड भी आपका खुलेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड आपका खुलेगा तो यहाँ पर ये पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, ये आपका इस तरीके से रिएक्ट होता है कॉन्जुगेशन वाला। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों आपको 48 को। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, 48 को इम्पोर्टेंट आप लोग मार्क कर सकते हो बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला है बच्चों, इफ मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, क्वेश्चन नंबर 49, ये मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है, वेरी गुड, एंड द मिक्सचर इज ट्रीट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ
ड्राई इथर बच्चों, वुड्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? आपका वुड्स रिएक्शन। अब यहां पर आपका वुड्स रिएक्शन है, तो वुड्स रिएक्शन में आपसे पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, एक बार ये और ये आपका ऐड होगा, तो यहां पर CH3, CH2, CH2, CH3। ये आपके डाइमराइज प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं बच्चों में। बच्चों में कौन से प्रोडक्ट की? डाइमराइज प्रोडक्ट की। ठीक है, यहां पर एक बार आपका क्या हो जाएगा? CH3, CH2, CH3। ठीक है, ये आपके कितने प्रोडक्ट बन गए? 1, 2, 3। ठीक है, तीन तीन आपके प्रोडक्ट बन गए। और साथ में ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? डाइमराइज, डाइमराइज प्रोडक्ट है। अगर आप इसमें आपको बोला नहीं है कि आपको आपको केवल और केवल डाइमराइज बताना है, आपको इसके साथ में डिसप्रोपोर्शनेट प्रोडक्ट भी बताना है। तो डिसप्रोपोर्शनेट प्रोडक्ट आपका क्या होगा बच्चों? देखो, अगर यहां पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो यहां पर आपका साथ में CH4 और CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी निकलेगा, तो यहां पर फोर यह हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका फिफ्थ प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे बच्चों? ये आपका डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए बच्चों? 5। देखो ये आपका कैसे हुआ, देखो यहां पर अगर मैं इसको फ्री रेडिकली डिसोसिएट करूंगा, ठीक है, यहां पर भी आपका क्या बनेगा बच्चों? फ्री रेडिकल बनेगा। अब ध्यान से समझेंगे कि यहां से मैं अगर 2 और यहां से एच फ्री रेडिकल, यहां पर इसको होमोलाइटिक डिसोसिएट कर दूंगा। ठीक है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ बच्चों, डिसप्रोपोर्शनेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना। होमोलाइटिक डिसोसिएशन कर दूंगा तो यहां से एच टू डॉट निकल के इसके पास चला जाएगा और इसको क्या बना देगा? CH4। और यहां से जैसे ही आपका एच टू डॉट निकलेगा तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, ये फ्री रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे बच्चों? बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके कितने होंगे बच्चों? 5। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका है क्या? ठीक है, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, अमंग दोस गिवन दैट विल नॉट गिव White PPT with AgNO3। अब ध्यान से समझेंगे, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो AgNO3 के साथ, ये AgNO3 के साथ अगर AgCl होगा तो AgCl आपका White PPT बनाएगा। AgCl आपका कौन सा PPT बनाएगा बच्चों? White PPT। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है CH3CH2Br। ठीक है, ये है, अगर ये AgNO3 के साथ आएगा तो यहां पर आपका यहां पर AgBr निकलेगा। ठीक है, AgBr निकलेगा तो इसका मतलब यहां पर आपका कौन सा होगा? येल्लो पीपीटी, मतलब कौन सा लाइट कलर का होगा? लाइट वो येल्लो पीपीटी आपका आएगा। नेक्स्ट यहां पर सेकंड अगर मैं बात करूंगा तो CH3CH2Cl, यहां पर AgCl आएगा जो कि आपका क्या होगा बच्चों? वाइट पीपीटी। ठीक है, वाइट पीपीटी बनाएगा। थर्ड आपका क्या होगा बच्चों? थर्ड आपका पीपीटी ही नहीं बनाएगा क्योंकि यहां पर रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका आने की वजह से ये आपका पीपीटी नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ आपका क्या है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन यहां पर भी आपका क्या होगा बच्चों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहां पर भी आपका क्या नहीं होगा बच्चों? पीपीटी नहीं बनाएगा क्योंकि ये आपका रिएक्शन के बाहर जाएगा ही नहीं, ये आपका AgCl को प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, ये भी आपके AgCl को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ ऑप्शन आपको क्या बोलता है बच्चों? बेंजाइल क्लोराइड। बच्चों देखो यहां पर ये क्लोरिन बाहर निकलेगा तो यहां पर AgCl प्रोड्यूस होगा और यहां पर आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा। ठीक है, और यहां पर सिक्स CHI3 आयोडोफॉर्म के प्रेजेंस में आपका AgI बनेगा जो कि आपके व्हाइट कलर का नहीं होगा, ये भी आपके कौन से कलर का होगा बच्चों? येल्लो कलर का। कौन से कलर का? येल्लो कलर का, ब्राउनिश कलर होगा थोड़ा सा, तो ये आपका येल्लो कलर का होगा। तो यहां पर व्हाइट पीपीटी कौन कौन नहीं देगा? एक तो ये नहीं देगा, एक ये नहीं देगा और एक ये नहीं देगा। टोटल नंबर ऑफ
जो आपके व्हाइट पीपीटी नहीं देंगे उनके टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर कितने हो गए बच्चों उनके? 4। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आंसर आपका क्या आएगा बच्चों इसका? 4। तो यहां तक हमारा पेपर का पूरा डिस्कशन खत्म होता है बच्चों। आई होप कि आप लोगों का काफी अच्छा गया होगा पेपर, और जिनका नहीं गया होगा वो पूरा सॉल्यूशन अपने नोटबुक में लिखे, ताकि एक एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंट का सॉल्यूशन लिखे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक एक एक ऑप्शन एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच।